नुपुर शर्मा के बयान के बाद बवाल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस मामले में योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर भी नुपुर शर्मा के समर्थन में कूद पड़े हैं। दरअसल जेपीएस राठौर ने बांदा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि नुपुर शर्मा ने अगर कुछ बोल दिया तो बवाल हो गया। पहले देश में हमारे देवी देवताओं के कैसे कैसे चित्र बनाए जाते थे, तब तो बवाल नहीं हुआ था। आगे उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा ने जो भी बोला वो सब कुरान में लिखा हुआ है, तो उन्होंने गलत क्या बोला, जिसमें इतना बड़ा तूफान विश्व में मुस्लिम समुदाय द्वारा खड़ा किया जा रहा है। ऐसा है कि एक षड्यंत्र लोग फैला रहे हैं, विपक्षी दल के लोग जिनके पास कोई काम नहीं है। और जहाँ तक नुपुर शर्मा की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्रवाई कर दी थी वो कार्रवाई कर दी है। इससे पहले हमारे देश में हमारे देवी देवताओं के कैसे चित्र बनाए जाते थे ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन तब कोई नहीं होता था बवाल। आज बवाल हो रहा है तो वो भी पुरानी बातें आनी चाहिए ध्यान में। इसके अलावा उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाने को लेकर कहा कि मकबूल फिदा हुसैन कैसे चित्र बनाते थे हमारे देवी देवताओं के, तब तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। और अब नुपुर शर्मा ने कोई बात कही है तो बीजेपी ने भी पर्याप्त दंड दे दिया है। भाजपा को जो कार्रवाई करनी थी वो उन्होंने कर दी है। इस तरीके के चित्र बनाते थे हमारे देवी देवताओं के, लेकिन यहाँ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती थी। और यहाँ पर अगर नुपुर शर्मा ने कोई बात की, उनको पर्याप्त दंड भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भाजपा साथ है उनके कि नहीं? अरे भाजपा अगर साथ होती उनके तो भाजपा दंड ही क्यों देती? तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उसको दंड भी दिया है और उसके आगे आने वाले समय में देखेंगे किस तरीके से करना। आपको बता दें कि मंत्री जेपीएस राठौर बांदा में केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार में चल रही योजनाओं को जनता के सामने रखा। वहीं उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में केंद्र से 1 रुपया भेजा जाता था तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुँचते थे, लेकिन पीएम मोदी की सरकार में 1 रुपया भी सीधा बैंक अकाउंट में पहुँचता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 30 मई को 8 साल पूर्ण हुए हैं, तो इस 8 साल पूर्ण होने पर हम लोग जगह जगह जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों की जनता के लिए जो हमने काम किए उनको बताने का काम कर रहे हैं। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपोर्ट टू नेशन कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं नेशन को, बता रहे हैं लोगों को कि हमने आपके लिए क्या किया है।